राज्यसभा चुनाव में हिमाचल में कांग्रेस को झटका, कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंह भी हारे, बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन की जीत। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी को मिले 34-34 वोट, ड्रॉ के जरिए बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन जीते। हिमाचल में उलटफेर के बीच हरियाणा के पंचकुला में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायक, होटल के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे थे निर्दलीय और क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायक, सूत्रों के मुताबिक होटल में रुके हैं 5 से 6 विधायक। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, बीजेपी ने हमारे 5 से 6 विधायकों का अपहरण किया, सीआरपीएफ हरियाणा पुलिस के कब्जे में हरियाणा ले जाया गया। सीएम सुक्खू ने कहा, हिमाचल की ये संस्कृति नहीं, बीजेपी लोकतंत्र को समाप्त करने, गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रही। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल सकती है कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर, खड़गे ने राहुल से बातचीत की। हिमाचल से बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन का दावा, हिमाचल में जल्द गिरने वाली है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी का छलका दर्द, कहा हमारे नाश्ता और खाना खाकर निकले थे विधायक। हिमाचल कांग्रेस में खुलकर सामने आई कला, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने वाले 34 में से 20 विधायकों ने आलाकमान से मुख्यमंत्री बदलने की मांग की। कांग्रेस विधायक जयराम बबलू ने बीमारी की हालत में दिया था वोट, हेलीकॉप्टर से लाया गया था शिमला, बीजेपी ने वोट ना गिनने की मांग की। राज्यसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी के 8 प्रत्याशी जीते, एसपी के 2 प्रत्याशियों को मिली जीत, क्रॉस वोटिंग ने दिलाई बीजेपी के 8वें प्रत्याशी की जीत। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप, कहा वोट के लिए विधायकों पर दबाव और लालच भी दिया। पूर्व सांसद जयप्रदा मंगलवार को फिर से नहीं हुई रामपुर के कोर्ट में हाजिर, कोर्ट ने जयप्रदा को फरार किया घोषित। कोर्ट ने दिखाई सकती सीयू के नेतृत्व में टीम गठित करने के निर्देश, जयप्रदा को 6 मार्च को कोर्ट में पेश करने का आदेश। नव सिंह राठी हत्याकांड पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, हत्या के आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का अकबर को लेकर विवादित बयान, मुगल बादशाह अकबर को बताया बलात्कारी। गिरिराज सिंह ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन किया, कहा उन्होंने जो भी कहा वो गलत नहीं। दिल्ली में हुई भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। भारत और थाईलैंड के बीच एमओयू साइन, रक्षा संबंध मजबूत बनाएंगे भारत और थाईलैंड। संदेश खाली की घटना पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, कहा राज्य की पुलिस पर पूरा भरोसा, शाहजहां की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। संदेश खाली की घटना पर बोले टीएमसी सांसद शांतनु सेन, कहा मनगढ़ंत और सुनियोजित है संदेश खाली की कहानी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा ममता सरकार जानती है शाहजहां शेख कहां है। कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण का बयान, कहा संदेश खाली की घटना में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी ना होना प्रशासन के दुस्साहस का प्रतीक। रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र में मूर्ति लगाने को लेकर विवाद, ग्राम समाज की जमीन पर प्रतिमा लगाने पर बवाल हुआ। रामपुर में युवक की मौत मामले में लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया, पुलिस अधिकारियों को समझाने पर शांत हुए लोग। मोहाली के सेक्टर में रेस्टोरेंट पर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला के दोस्त बंटी बेंस पर जानलेवा हमला। बरनाला जिले में एनआईए की छापेमारी, हमीदी गांव पहुंची एनआईए की टीम, रेशम सिंह के घर पर जांच के लिए पहुंची थी टीम, खालिस्तान के नारे लिखने के आरोप में जेल में है रेशम। गुरुग्राम के साइबर सिटी में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार वाहन चालक ने कंपनी के मैनेजर को मारी टक्कर, करीब 1 किलोमीटर तक बाइक को घसीटा। हादसे में गंभीर रूप से घायल मैनेजर को कराया अस्पताल में भर्ती, सीसीटीवी के आधार पर फरार कार चालक की तलाश। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।